हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर क्लास सिक्स में मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर सिक्स में, जिसका नाम है इंटीजर्स का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने थ्योरी पोर्शन देखा था, वेरियस चीज इंटीजर्स क्या होता है, निगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, एडिशन में कुछ इंटीजर्स की जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ट्रांसिएटिव प्रॉपर्टी है। फिर इसके बाद हम लोगों ने इसी तरह जो है सारे चीज़ें फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था, और अगर ज़्यादा डिटेल में है तो आप फर्स्ट पार्ट को रिफ़र करिए और चीज़ों को समझिए। अब हम इसमें देखते हैं फर्स्ट पार्ट में जो कुछ हमारी एक्सरसाइज हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन बेस पे हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, जिसके बेसिस पे सारे जो लास्ट में हम लोग कंसेप्ट डिस्कस किए थे वो सब कंसेप्ट का यहाँ यूज करेंगे, जिससे जो है हमारा कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। एक एक कंसेप्ट एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग टू जो हमारे सारे कंसेप्ट बार बार यूज होंगे, बार बार यूज होने से जो है हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.1 है, इसमें पहला क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग, इसमें कह रहा है इंक्रीज इन वेट, इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट सिंपली सी बात है इंक्रीज है। यहाँ पे इंक्रीज की बात कर रहे हैं, इसका मतलब इसका इंक्रीज की अपोजिट क्या होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज इन वेट, सिंपल सी बात है, डिक्रीज इन वेट होगा। अब जैसे ये कह रहा है कि 30 किलोमीटर नॉर्थ है, तो अगर हम डायरेक्शन कोई बताए, ये अगर हम नॉर्थ लेते हैं तो उसके साउथ होगा, और नॉर्थ के जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो ईस्ट होता है, और सॉरी नॉर्थ के राइट हैंड साइड ईस्ट होता है और लेफ्ट हैंड साइड आपका वेस्ट होता है, ये होता है। तो इसमें डायग्राम के अकॉर्डिंग टू कह रहा है, क्या कह रहा है, 30 किलोमीटर नॉर्थ, अगर ये नॉर्थ है तो नॉर्थ साइड में अगर हम जाएं तो सपोज करिए 30 किलोमीटर है, ठीक है, नॉर्थ का ये 30 किलोमीटर नॉर्थ है, जस्ट इसका अपोजिट क्या होगा, आपका यहाँ पे साउथ होगा, तो यहाँ पे आपका 30 किलोमीटर साउथ होगा, सिंपल सी बात है, उसका अपोजिट। जैसे इसी डायग्राम के बेसिस पे हम लोग देखेंगे सी वाला क्वेश्चन, आपका जो सी है 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर ईस्ट, ये यहाँ पे ईस्ट है, अगर यहाँ पे 80 मीटर 80 मीटर ईस्ट है तो इसका अपोजिट क्या होगा, 80 मीटर इधर होगा, लॉस ऑफ 700 रुपीस, तो इसका अपोजिट क्या होगा, गेन, गेन ऑफ 700 रुपीस, मतलब 700 रुपए का अगर हमको नुकसान होता है तो उसका अपोजिट क्या होगा, 700 रुपए का फायदा। फिर इसमें कह रहा है कि 100 मीटर एबव सी लेवल, ये आपका समुद्रल है, तो अगर कोई चीज 100 मीटर जो है, ये अगर इसको सी लेवल मानते हैं तो इससे नीचे 100 मीटर सी के अंदर होगा, 100 मीटर एबव सी लेवल इसका मतलब 100 मीटर बिलो, बिलो सी लेवल, सिंपल इसी बात है। तो इसमें क्या हो गया, 100 मीटर बिलो सी लेवल, इसमें हो जाएगा गेन ऑफ रुपीस 700, इसमें क्या हो जाएगा 80 मीटर वेस्ट, और इस वाले में क्या हो जाएगा 30 किलोमीटर साउथ, सिंपली सी बात है। इस एक्सरसाइज में अपोजिट चीजें, एक दूसरे के अपोजिट चीजें बात
कर रहा है कि एक दूसरे के अपोजिट क्या होगा, क्योंकि अभी हम देखेंगे नंबर लाइन पे ये सारी चीजें क्या था, इसीलिए इसको जनरल चीजें आप किसी का अपोजिट जान के रखेंगे तो इसका यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर एज एंडेंजर्ड विद अप्रोप्रिएट साइन। तो यहाँ पे कुछ चीजें दी गई हैं, कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनको नंबर लाइन पे आपको दिखाना है। एंड एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट हाइट 2000 मीटर अबव द ग्राउंड। तो कह रहा है इसको रिप्रेजेंट अबव एज एंडेंजर्ड विद अप्रोप्रिएट साइन, तो कह रहा है कि 2000 मीटर अबव द ग्राउंड। तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या है, आपका जो ग्राउंड है वो बेस है, ठीक है, ये ग्राउंड है। तो अगर इसके अबव कोई चीज है, ठीक है, ग्राउंड को बेस माना गया है, तो अगर 2000 मीटर, 2000 मीटर, तो ये एक्चुअली में ऊपर कोई चीज है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम लोग अपोजिट देखा ना, कोई चीज दिया था उसका अपोजिट क्या है, तो ये ग्राउंड होगा, तो ये आपका ये जो पॉइंट होगा कुछ इस तरह होगा, ये आपका एक ओरिजिन हो जाएगा। तो इस तरह का ये चार पार्ट बन गया, ठीक है। तो ऊपर वाला जो आपका पॉजिटिव होगा, अगर कोई बिलो की बात करेगा, ग्राउंड लेवल की बिलो की बात करेगा तो अलग हो। देख लीजिए यहाँ पे, ए सबमरीज इन मूविंग एट डेप्थ 800 मीटर बिलो द सी लेवल। यहाँ कह रहा है ए सबमरीन है, क्या पनडुब्बी है, समुद्र के नीचे है, कितना 800 मीटर। तो इसको कैसे, यही है, ये ग्राउंड है, तो इसके नीचे अगर हम आएंगे, सपोज करिए यहाँ 800 मीटर है, तो ये आपका माइनस साइन में आएगा। यही बताने के की से इसमें जो क्वेश्चन किया है, विद अप्रोप्रिएट साइन, अप्रोप्रिएट साइन का यही मतलब हुआ कि अगर ऊपर है तो पॉजिटिव साइन से दिखाइए, और अगर जब ग्राउंड लेवल से नीचे है तो उसको निगेटिव साइन से दिखाएं। फिर कह रहा है ए डिपोजिट ऑफ ₹200, डिपोजिट मतलब जमा करना, आपके अकाउंट में बढ़ रहा, तो इसका मतलब प्लस 200, ठीक है, ₹200, ठीक है, आपका यहाँ पे ₹200, ठीक है, आपका ₹200, तो ये आपका प्लस में होगा, क्योंकि डिपॉजिट क्या निकालते तो अलग, विड्रॉल आप 700, ठीक है, ये डेबिट है, डेबिट होता है पॉजिटिव, क्रेडिट, ठीक है, विड्रॉल निकाला है तो उसको निगेटिव से दिखाएंगे 700, ठीक, ये है विड्रॉ, अगर आप पैसा आपके अकाउंट से निकल रहा है तो कम हो रहा है, ठीक है, विड्रॉल मतलब कम हो रहा है, इसका मतलब निगेटिव हुआ, ठीक है, वो घटेगा ओवरऑल। जब जब आप, अगर बैंक का अकाउंट है किसी के पास, अगर आपके पास गुल्लक ही है, आप सेविंग कर रहे हो, तो अगर आप उसमें डालते हो तो इसका मतलब आप पॉजिटिव है, बढ़ रहा है, तो उसको पॉजिटिव साइन से दिखाते हैं। अगर आप उससे निकालते हो तो निकल रहा है, उसको निगेटिव साइन से दिखाते हैं, कि ओवरऑल कोई एक्शन है इनिशियल में, क्या मतलब है इसको थोड़ा सा और समझे, कि इनिशियल क्या है, इनिशियल, ठीक है, कोई लेबल है, ठीक है, फिर एक एक्शन हुआ, एक्शन हुआ, एक एक्शन हुआ, क्या हुआ, डिपॉजिट का, ठीक है, एक एक्शन हुआ किसका, डिपॉजिट का, एक्शन के बाद डिपॉजिट हो गया आपका 200 का, तो अब क्लोज क्या हुआ, क्लोज जो होगा ए प्लस 200, ये हुआ, ये मतलब हुआ। लेकिन अगर एक्शन आपका अलग हुआ, ठीक है, अगर आपका एक्शन जो है अलग हुआ, यहां पे जो आपका एक्शन है डिपॉजिट की बजाय क्या हुआ, विड्रॉल, ये न्यूमेरिकल समझते हैं, विड्रॉल हुआ, अगर विड्रॉल हुआ यहां पे क्या हुआ, विथड्रॉल, कितना हुआ 7, इसका मतलब क्या, आपका यहां पे जो आपका अमाउंट आएगा ये नहीं आएगा, ये माइनस, क्योंकि पहले आपके पास ये था, उसमें से निकल गया, तो एक्शन क्या आ गया आपका, ये हुआ, इसका मतलब ये माइनस में होगा, ये कहने का मतलब, इसी तरह ये आपका प्लस में होगा, ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ ये दो कंसेप्ट का।
विड्रॉल और डिपॉजिट का। एक एक्सरसाइज है, देखते हैं क्या है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। देखिए प्लस है तो नंबर लाइन बनाना सबसे आसान है, कितनी बार बना चुके हैं। इसके बीच में आप एक जीरो ले लीजिए, इधर जो है आपको पॉजिटिव दिखाना है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दिखा दीजिए, क्योंकि हमारे पास लगभग यहाँ आठ तक सिंबल है। तो ये पॉजिटिव वन, पॉजिटिव टू, पॉजिटिव थ्री, पॉजिटिव फोर, पॉजिटिव फाइव, पॉजिटिव सिक्स, पॉजिटिव सेवन, पॉजिटिव एट, पॉजिटिव नाइन, पॉजिटिव टेन। अब यहाँ पे माइनस हमको दिखाना है तो देखेंगे, यहाँ पे माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, माइनस सेवन, माइनस एट, माइनस नाइन, माइनस टेन, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि प्लस ये वाला, इसको दिखाना है तो प्लस फाइव ये है, यहाँ पे गोला कर दीजिए, ठीक है, ये आपका प्लस फाइव है। माइनस टेन दिखाना है तो ये आपका नंबर लाइन पे प्लस फाइव हो गया। माइनस टेन दिखाना है तो यहाँ से उठाएंगे, यहाँ तक आ जाएंगे आपका, ठीक है, माइनस टेन आपका हो गया। प्लस एट दिखाना है तो यहाँ से उठाएंगे, ये आपका प्लस एट हो गया। माइनस वन दिखाना है तो यहाँ से उठाएंगे और आपका ये माइनस वन हो गया। फिर माइनस सिक्स दिखाना है तो सिर्फ यहाँ से दिखाएंगे और जहाँ पे माइनस है यहाँ पे आ रहा है तो माइनस सिक्स हो जाएगा। यही सारी चीज़ें सिंपली ऐसे नंबर लाइन करके आप जीरो से शुरू करेंगे और जो सिंबल है उसके बेसिस वहाँ तक ऐसे करके पहुँच जाएंगे, तो आपका ऐसे हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे देखना, इस एक डायग्राम दिया गया है, एडजेसेंट डायग्राम है, एक लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीजर, ऑब्जर्व इट एंड लोकेट द फॉलोइंग। इस लाइन को देखना है, इसका जीरो पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, इस जीरो पॉइंट यहाँ पे है। तो कह रहा है इफ डी इज माइनस एट, यहाँ पे डी ए पॉइंट है, यहाँ पे ये कह रहा है डी माइनस एट है, देन विच पॉइंट इज सॉरी डी इज प्लस एट, तो देन विच पॉइंट इज माइनस एट, तो माइनस एट इसको बताना। अब देखिए यहां से देख लीजिए डी कितनी दूर, एक एक दो तीन चार पांच छः सात आठ 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 लाइनें के बाद है, तो इसी तरह यहाँ पे भी आठ लाइनें आप काउंट कर लीजिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, तो ये आपका माइनस एट हो जाएगा। अब हम लोग बी देखते हैं, ये बी क्या है, इज पॉइंट जी ए निगेटिव इंटीजर आर पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पे जी पे देखिए डिनोट करिए कहाँ पर है। देखिए बी में हम क्वेश्चन नंबर बी में सिंपली सी बात करें, पूछ ये रहा कि जी एक निगेटिव है या पॉजिटिव है। देखिए ये आपका जीरो है, तो जीरो से अगर ऊपर की तरफ कोई भी नंबर होता है तो वो पॉजिटिव होता है, और जीरो से नीचे की तरफ कोई नंबर होता है तो निगेटिव होता है। तो अब देखिए जी आपका यहाँ पे है, जीरो से नीचे की तरफ है, इसका मतलब ये निगेटिव होगा, सिंपली सी बात है। सी देखते हैं क्या है, राइट इंटीजर फॉर बी एंड ई। बी के लिए आपको बताना है कि क्या है, यहाँ पे ओरिजिनल है, ओरिजिन है, बी की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं इस पॉइंट की, और ई की बात करें इसकी। इंटीजर्स वैसे ये पॉजिटिव होगा सबसे पहले, और इसका नंबर कितना होगा, यहाँ से अगर इसको वन यूनिट देते हैं तो वन टू थ्री फोर, तो ये आपका पॉजिटिव फोर होगा। यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, तो ये आपका निगेटिव टेन हो जाएगा, सिंपली सी बात है। एक एक पे है, वन टू माइनस लगाते जाएंगे, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, माइनस सेवन,
-8 -9 दैट इज -10। इसी तरह +1 +2 +3 और ये +4 +5 +6 +7 क्योंकि 8 यहां पे था, उसी के बेसिस पे हमने ये किया। देखते हैं नेक्स्ट डी क्या कहता है। विच पॉइंट मार्क ऑन दिस नंबर लाइन हैज द लीस्ट वैल्यू। अब इसमें कह रहा सबसे कम किसकी वैल्यू है। अब हमने जब हम बात की थी पॉजिटिव इंटीजर्स तो हमने कहा था पॉजिटिव में अगर हम नंबर बढ़ाते हैं तो ज्यादा होता है। जैसे इसमें क्या है, ऊपर की तरफ जाएंगे तो नंबर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, दैट इज इंक्रीजिंग। लेकिन जीरो से हम नीचे जाएंगे तो क्या होगा, नंबर डिक्रीज करेगा। जैसे नंबर लाइन पे हम लोगों ने बताया था कि अगर यहां जीरो है इसके राइट साइड जाते हैं तो क्या है, इंक्रीज होता है। इसके अगर लेफ्ट साइड जाते हैं तो डिक्रीज होता है। कहने का मतलब -1 -2 -3, तो इसमें -3 क्या है, -3 इज लेस देन -2। हमने लेस देन सिंबल बताया था इस तरह होता है, तो जो सामने की तरफ होता है वह और इसकी तरफ वाले से ज्यादा होता है। जैसे ये, सो -3 इज लेस देन -2, तो इसका क्या मतलब होता है, इसके इधर जाते। इसी तरह अगर ऊपर नीचे की बात करते हैं, इसी तरह अगर जीरो है उसके ऊपर नीचे की बात करते हैं तो ऊपर अगर जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज करता है और नीचे जो है डिक्रीज करता है। सो यही फार्मूला, यही चीजें हम यहां पे ध्यान देंगे। तो कह रहे हैं सबसे लीस्ट मतलब सबसे कम, सबसे कम, सबसे कम होगा। तो ये है आपका जीरो और इसको हम नीचे की तरफ, सबसे नीचे क्या है, ये, तो सबसे कम आपका ई पॉइंट होगा। ठीक है, ई आपका जो है, ई पॉइंट जो है लीस्ट, ठीक है लीस्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं, अरेंज ऑल पॉइंट, अरेंज द ऑल द पॉइंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। डिक्रीजिंग घटते हुए क्रम में आपको बताना, तो मतलब सबसे बड़ा पहले होगा। तो अगर यहां पे सबसे बड़ा आपका डी है, फिर उसके बाद सी है, फिर जो है, ठीक है, सी के बाद बी, फिर उसके बाद ए, फिर आपके बाद ओ है, ओ है जीरो है, उसके बाद अब क्या है, जीरो इज ग्रेटर देन एच क्योंकि माइनस है, फिर ये ग्रेटर देन माइनस जी, ये ग्रेटर देन माइनस एफ इज ग्रेटर देन माइनस ई। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप ऐसे लिख सकते हैं डी सी बी ए ओ एच जी एफ ई। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका ऊपर से नीचे की तरफ ई आता जाएगा, यही सही लिखना है। दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। यहाँ पे कह रहा है कि फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ फाइव प्लेसेस इन इंडिया ऑन ए पार्टिकुलर डे ऑफ। तो ये कह रहा है कि जैसे सियाचिन का टेम्परेचर दिया है किसी दिन, सियाचिन का है, कश्मीर में होता है, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में, लद्दाख के ऊपर सियाचिन पड़ता है, बहुत बहुत कम टेम्परेचर वहां पर होता है, कभी -40 तक जाता है। तो कह रहा है सियाचिन, तो अब शिमला का है, अहमदाबाद का है, दिल्ली का है, श्रीनगर का, तो कह रहा है कि यहां पे पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द टेम्परेचर ऑफ दीज प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंडिजर इन ब्लैंक कॉलम। ये ब्लैंक कॉलम है, इंडिजर्स क्या है, माइनस, ये बिलो जीरो है इसका मतलब -10 डिग्री, बिलो जीरो है, बिलो जीरो के बिलो का मतलब वो माइनस डिग्री होता है, ठीक है। सो ये 2 डिग्री हो गया, माइनस, सॉरी, एबव जीरो ये +30, एबव जीरो, एबव है 20 ये हो गया, एंड बिलो 5 डिग्री तो ये -30
5 होगी, या यही भरना है। फॉलोइंग इन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट द टेम्परेचर इन डिग्री। अब प्लॉट द नंबर ऑफ सिटी अगेंस्ट टेम्परेचर। यहाँ पे दिखा है, दिखाना है कि सियाचिन का टेम्परेचर -10 है, तो यहाँ पे -10 वाला यहाँ दिखाना है, ठीक है। ये -10 है आपका, तो ये जो आपका इसको सियाचिन दिखाना है। फिर बिलो 2 है, तो यहाँ पे 0 है, तो इसका 1, 2 ये एक छोटा सा पॉइंट आएगा यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे, क्योंकि 0 से 5 है, तो इसमें दूसरी जो नंबर लाइन आएगी है ये वाली, ये वाला जो पॉइंट आएगा ये -2 आएगा, तो ये शिमला रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। फिर अहमदाबाद +30 है, ये पॉइंट आपका अहमदाबाद रिप्रेजेंट करेगा। ये आपका थर्टी है, तो अबव 20 दिल्ली का है, ये वाला आपका पॉइंट जो है दिल्ली रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, फिर श्रीनगर -5 है, तो ये आपका जो है ये पॉइंट आपका श्रीनगर रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन सी क्या कह रहा है, विच इज द कूलेस्ट प्लेस, सबसे ठंडा कौन है। देखिए सबसे माइनस में कौन है, माइनस ये वाला, ठीक है। सबसे अब यहाँ पे 3 टेम्परेचर है, -10, -2, +30, +20, +5 डिग्री, ठीक है। सबसे कूलेस्ट का मतलब सबसे ठंडा, ये -10 वाला, तो इसका मतलब सियाचिन जो है, विच इज कूलेस्ट प्लेस, तो यहां पे लिख सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सी का क्या है, सियाचिन। बहुत सिंपल है, इसमें बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है कुछ भी। जिसको राइट द नेम ऑफ प्लेस वेयर टेम्परेचर आर एबव 10 डिग्री। अब कह रहा है 10 डिग्री के ऊपर कहाँ है, सिंपली देख लीजिए 10 डिग्री के ऊपर कहां पर है, 10 से ज्यादा, ठीक है। राइट द नेम ऑफ प्लेस 10 से ज्यादा, 10 से ज्यादा 2 जगह है, ठीक है। 10 से ज्यादा कहाँ पे, 2 जगह, एक आपका अहमदाबाद और दूसरा आपका जो है दिल्ली। तो आपका ये 2 जगह 10 से ज्यादा टेम्परेचर, ये चार्ट दिया रहता है, उसके बेसिस आपको पढ़ना है, बहुत इजी होता है। अब देखिए ये कुछ क्वेश्चन है, इन विच, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच पेयर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन नंबर लाइन, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसमें से कौन दाहिने साइड होगा किसकी। अब जैसे इसमें है नंबर लाइन, अगर हम खींचते हैं 0 हो गया, ये 1, 2, तो यहाँ पे कहीं पे 9 आ जाएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक। तो कह रहा है कि विच नंबर इज टू राइट ऑफ अदर ऑन द नंबर, तो इसमें क्या है, इस वाले में पहले में क्या है, 9 इज राइट टू द 2, इसका मतलब 9 जो है 2 के दाहिने तरफ, यहां 2 है, ये 2 है, इसके दाहिना हाथ, इधर दाहिना हाथ इधर पड़ेगा, ठीक है, ये राइट है, ये बता कहने का मतलब है कि इसमें से 2। अब जैसे इस वाले में देखिए, दूसरा वाला ये आपका बी वाला, इसमें नंबर लाइन अगर हम यहाँ पे बनाते हैं नंबर लाइन, ठीक है, ये 0 है, ठीक है, और इसमें माइनस का 3 है, या -3 ले लेते हैं, ठीक है, माइनस, चलिए हमने यहाँ 4 ले लिया, -4, -5, ठीक है, -6, -7, -8,
इसमें राइट, अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कौन किसके दाहिने है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं दो पॉइंट आपके पास, एक पॉइंट ये वाला, एक पॉइंट है। अगर हम इस पॉइंट पे नजर दें, माइनस एट पे नजर डालते हैं, तो इसके दाहिने साइड कौन पड़ेगा, मतलब अगर इसको हमारा दाहिना हाथ की तरफ देखेंगे, अपनी आंख जो है, अपनी नाक को एट के बिंदु पे डालेंगे, तो अपने जो है आंख के दाहिने हाथ, मतलब दाहिनी आंख की तरफ कौन पोर्शन पड़ेगा, ये वाला पोर्शन, इसकी ये राइट होगा, ठीक, और ये इसके लेफ्ट होगा। इसी तरह अगर हम यहां पे थ्री पे नजर डालें, थ्री पे नजर डालें, तो इसके इधर क्या होगा, ये राइट होगा, और इसके इधर ये वाला क्या है, लेफ्ट होगा। क्वेश्चन क्या रहा है कि कौन किसके दाहिने है, इसका मतलब क्या है, इसके दाहिने कौन पड़ेगा, जीरो पड़ेगा, जो कि है नहीं, ठीक है, लेकिन इसके दाहिने क्या है, माइनस थ्री। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, माइनस थ्री इज टू द राइट ऑफ माइनस एट, कह रहा है माइनस तीन जो है आठ के दाहिनी तरफ है, माइनस आठ के दाहिनी तरफ कौन है, ये, तो इंग्लिश में क्या है, माइनस थ्री इज टू द राइट ऑफ माइनस एट, ठीक है, ये। इसी तरह इसमें देखेंगे सेम नंबर लाइन को अगर हमको देखना है, तो नया फिगर, हर फिगर में जीरो है, माइनस वन है, दो ही है, दो ही फिगर यहाँ बनाना पड़ रहा है, तो अब वही फार्मूला यहाँ लगाएंगे, जीरो पे अपनी नजर आप गड़ाएंगे, तो जीरो के इसके इसके इधर क्या है, राइट है, आर से लिख देते हैं, और इसके इधर क्या है, लेफ्ट है, एल से लिख देते हैं, तो ये इससे काम नहीं हो रहा। अगर इस पे नजर हम गड़ाते हैं, तो इसके जो है इधर क्या है, राइट होगा, इसके इधर लेफ्ट होगा, तो माइनस वन के राइट में कौन है, जीरो पड़ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या लिख देंगे, इसमें तो नहीं पड़ रहा था, इसके राइट में तो ए वन टू थ्री पड़ रहा था, तो माइनस वन के राइट में जीरो पड़ रहा था, इसलिए लिख सकते हैं जीरो इज टू द राइट, यही इज टू द राइट, जैसे यहां पे जीरो इज टू द राइट, ठीक, जीरो इज टू द राइट ऑफ माइनस वन, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये बड़ा है, सिंपली से देख लीजिए। अब एक जनरल बात बता देते हैं, यहां से देख लीजिए, देखिए जो निगेटिव वाला होगा, ठीक है, वो हमेशा लेफ्ट में रहेगा, जो बड़ा नंबर होगा, सॉरी निगेटिव वाला लेफ्ट साइड रहता है, और जो उससे बड़ा नंबर होगा उसके राइट होगा, सिंपली सी। इस वाले केस में भी देखेंगे तो ये निगेटिव है, ठीक है, निगेटिव है, तो इसके दाहिने साइड ये पड़ेगा, तो यहां पे ये का लिख सकते हैं, ठीक है, ये दाहिने साइड पड़ेगा, ये लेफ्ट साइड पड़ेगा, ठीक है, सॉरी ये दाहिने साइड, यहां पे क्या है, फिर से ले लेते हैं, जीरो है, तो यहां पे कहीं जीरो के इधर प्लस दस आएगा, ये है आपका माइनस इलेवन। तो अब इसका यहां से क्या है, ये राइट है, इसका यहां से ये लेफ्ट है, तो इसके राइट में जब जाएंगे तो 10 मिल जाएगा, लेकिन 10 के राइट में जाएंगे तो आपको ये नहीं मिलेगा, ठीक है, लेफ्ट में मिलेगा, तो इसका मतलब हम माइनस वन, तो यहां कहेंगे 10 इज टू द राइट ऑफ माइनस इलेवन, ऐसा है। तो इस वाले में भी लिख सकते हैं 6 इज टू द राइट ऑफ माइनस सिक्स, ठीक है, इसमें लिख सकते हैं, ये बहुत बड़ा है, इसमें लिख सकते हैं 1 इज टू द राइट ऑफ माइनस 100, क्योंकि अगर नंबर लाइन पे यहां दिखाएंगे तो बड़ा नंबर होने के कारण, देखिए ये प्लस कहीं यहां पे आएगा और ये आगे चल के कहीं ये माइनस में होगा, क्योंकि जीरो के इधर होगा, तो इसके इसको अगर लेंगे तो ये राइट इधर है, इसका ये लेफ्ट है, तो इसके राइट जाएंगे तो आपको एक मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन एक के अगर राइट जाते हैं तो नहीं मिलेगा, ठीक, यही कहने का मतलब, इसका मतलब क्या होगा,
वन इज टू द राइट ऑफ -100। अब इसमें कह रहा है कि राइट ऑल द इंटीजर बिटवीन गिवन पेयर, यहां से यहां तक है इनके बीच में, और वह भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो जैसे जीरो से सात के बीच में है तो जीरो से सात बढ़ते क्रम में, इसका मतलब इसमें जीरो में सबसे बड़ा कौन सा है, इसमें सबसे बड़ा आपका जो है जीरो है, सेवन जो है -7 छोटा है, तो इससे -6 -5 तो इस वाले में क्या है, तो यहां से आपका शुरू करेंगे छोटे से बड़े, इसका मतलब क्या कहां से शुरू करेंगे, -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 and 0 इस तरह लिखेंगे आपका। ये क्या है, यही लिखा है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम बढ़ना है। तो ये एरो ऐसे, ये एरो चलेगा, ठीक, ये एरो चलेगा, ऐसा एरो चलेगा, या एरो लगाने की भी जरूरत नहीं है, अगर उसने कहा है तो आप ऐसे -7 -6 ऐसे भी लिखते चलेंगे, सही है, ये ऐसे लिख देंगे तो जो बहुत अच्छा होगा। इसी तरह आपका -4 and 4 तो इसमें सिंपली बात है -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 यही हो जाएगा बढ़ता हुआ क्रम, सिंबल लगा सकते हैं। इस वाले में थोड़ा सा देखिए उल्टा है, बढ़ता कौन है, बड़ा कौन सा है, ये वाला 8, सी में जो है बड़ा 8 है, ये छोटा है, ये स्मॉल है। निगेटिव में हमने बार बार बताया कि जो बड़े नंबर होते हैं वो स्मॉल होते हैं, तो यहाँ पे -15 है, -14 -13 ऐसे, -12 -11 -10 -9 -8 यहां तक चलना है, तो माने ये आ जाएगा नंबर। इसी में है, बढ़ते क्रम में है, तो सिंपली है ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक, ये स्मॉल है, तो -30 -29 -28 -27 -26 -25 -24 -23 ऐसे 8 में राइट 4 निगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। इसमें कह रहा है, एक क्या कह रहा है कि 4 निगेटिव नंबर लिखे, 4 निगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20, -20 से बड़े होने चाहिए, तो सिंपली सी इसको -19 हो जाएगा, -18 हो जाएगा, -17 हो जाएगा, -16 हो जाएगा, -15 हो जाएगा, ऐसे करते जाइए, सब बड़े ही हैं, सब इससे सारे बड़े हैं, ठीक। बी क्या है, राइट 4 इंटीजर लेस देन -10, -10 से छोटे होने चाहिए, तो -10 से छोटे कौन होगा, -11 होगा, सो -11 -12 -13 -14 कितना भी लिखे, राइट 4 इंटीजर तो हो गया 1 2 3 4 काम हो गया, कभी हो जाएगा, क्योंकि माइनस में जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, हमने पहले भी बताया। क्या है, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स बताए, इफ द स्टेटमेंट फॉल्स करेक्ट स्टेटमेंट बताएं, इफ द स्टेटमेंट फॉल्स करेक्ट स्टेटमेंट, ये कह रहा है सही बताना है, -8 इज टू द राइट ऑफ -10 ऑन ए नंबर लाइन, कह रहा है उसी जो इसके पहले क्वेश्चन था उसी का शब्द है, -8 इज टू द राइट ऑफ -10, ये ट्रू है, ठीक है, क्यों, ये है 0, ठीक है, और ये सपोज करिए -8 है, फिर इसके बाद ये -10 होगा, तो इसका राइट कहाँ है, इधर, इसका लेफ्ट है इधर, तो ये 8 क्या है, इसके राइट में पड़ेगा, सही है,
माइनस एट इज टू द राइट ऑफ माइनस टेन, तो माइनस टेन के ये राइट में पड़ेगा, ट्रू है। इसी तरह माइनस हंड्रेड इज टू द राइट ऑफ माइनस फिफ्टीन, ये गलत है, देखते हैं क्या कह रहा है बी वाला, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ये जीरो है, सपोज करिए ये माइनस फिफ्टीन होगा, फाइव जीरो, ये माइनस हंड्रेड है, तो इसका राइट ये है, और इसको लेते हैं तो इसका राइट ये होगा, ये लेफ्ट होगा। तो क्या है कि माइनस टेन इज टू राइट ऑफ, नहीं, माइनस हंड्रेड इज टू राइट ऑफ माइनस फिफ्टीन, तो माइनस, इसका कहने का मतलब है कि जो माइनस सौ है वो पचास के दाहिने तरफ है, नहीं है, ऐसा नहीं है, पचास के दाहिने तरफ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको करेक्ट कैसे करेंगे, कह रहा है कि अगर गलत है तो सही करिए, तो सही कैसे करेंगे, माइनस फिफ्टी इज टू द राइट ऑफ, टू द राइट, ठीक है, यहां पे है ऑन, माइनस फिफ्टी इज टू द राइट, सॉरी राइट ऑफ माइनस हंड्रेड ऑन द नंबर लाइन, ये हो जाएगा करेक्ट आपका स्टेटमेंट। आपका बी वाला करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। अब सी में क्या है, स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर इज माइनस वन, गलत। स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर क्या है, जीरो, ये नंबर लाइन है, यहां जीरो है, माइनस वन, माइनस टू, जैसे इधर जाएंगे तो यह क्या डिक्रीज करेगा। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, ये माइनस वन नहीं कोई होगा, इन्फिनिटिव, ठीक है, माइनस इन्फिनिटिव, ठीक है, माइनस इन्फिनिटिव अनंत में कोई नंबर है जो सबसे कम होगा इधर, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट निगेटिव नंबर क्या है, ठीक है, तो सी में क्या लिख सकते हैं, स्मॉलेस्ट निगेटिव नंबर इस माइनस वन, नो, ठीक है, ये फाल्स है। ट्रू क्या है, स्मॉलेस्ट तो इसमें स्मॉलेस्ट क्या होगा, स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट निगेटिव नंबर इज माइनस इन्फिनेटिव, ठीक है, माइनस इन्फिनेटिव में सबसे स्मॉलेस्ट होगा कोई, इन्फिनेटिव मतलब अनंत में कोई नंबर है जो सबसे माइनस वन से छोटा होगा, ठीक है, क्योंकि माइनस टेन, माइनस ट्वेंटी, माइनस हंड्रेड, माइनस थाउजेंड, वो सारे वन से, माइनस वन से छोटे होंगे, ठीक, तो अब कौन सा नंबर है ये बताएं, तो एक जनरल बात कर देते हैं कि अनंत में कोई नंबर है जो वन से सबसे छोटा हो, थोड़ा सा ट्रिक है, माइनस ट्वेंटी सिक्स इज ग्रेटर देन माइनस ट्वेंटी फाइव, नहीं है, क्योंकि माइनस ट्वेंटी सिक्स ग्रेटर नहीं है, ठीक है, माइनस ट्वेंटी सिक्स, ये फॉल्स है स्टेटमेंट है, ठीक है, तो सही क्या है, सही स्टेट, ठीक है, माइनस ट्वेंटी सिक्स इज ग्रेट, ठीक है, स्मॉलर देन माइनस ट्वेंटी। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में या दूसरे में निगेटिव बताने के लिए कहा था कि इसका निगेटिव, इसका अपोजिट क्या होगा, तो इसमें यही है, ठीक है, ये नहीं है, माइनस ट्वेंटी सिक्स इज स्मॉलर देन माइनस ट्वेंटी फाइव, ये है। इसमें कह रहा है ड्रा ए नंबर लाइन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्या कह रहा है, विच नंबर विल बी रीच इफ वी मूव फोर नंबर टू द राइट ऑफ माइनस फोर। अब देखिए नंबर लाइन बनाइए, क्या एक नंबर लाइन बना लीजिए, इसमें चार भी आना है, ठीक है, यहाँ पे जीरो कर लीजिए। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि माइनस, ठीक है, ये कह रहा है माइनस टू हो गया, माइनस वन हो गया, चार स्टेप है, तो थोड़ा सा एक आध और स्टेप राइट चलना है, माइनस क्या, विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव फोर नंबर टू द राइट ऑफ माइनस, अब ये माइनस टू है, माइनस टू है, इसका राइट क्या है, ये,
इसका लेफ्ट क्या, देखिए आर से राइट बता दे रहे हैं, एल से लेफ्ट, तो इसके राइट में कितना चलना है हमको, चार कदम चलने हैं। यहाँ से चले एक स्टेप, यहाँ से चले एक स्टेप, यहाँ से दूसरा, यहाँ से तीसरा, यहाँ से चौथा। चौथा क्या होगा, यह जीरो है, यहाँ वन है, यहाँ टू है, थ्री है, फोर है। तो इसका क्या मतलब है, विच नंबर विल बी रीच इफ वी मूव फोर नंबर टू द राइट ऑफ माइनस, माइनस टू के चार स्टेप चलना है तो प्लस टू आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, प्लस टू। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव फाइव नंबर टू लेफ्ट ऑफ, लेफ्ट ऑफ वन। फिर से बनाइए, यहाँ पे जीरो बना दीजिए, यहाँ पे वन है, ये टू हो गया, यहाँ पे माइनस वन, माइनस टू, माइनस, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव। देखिए बराबर नहीं बन पाएगा, स्केल लेके नहीं बैठा हूँ, सो थोड़ा बहुत गैपिंग होगी। अब ये कह रहा है कि वन को लेना है, विच नंबर विल बी रीच इफ वी मूव फाइव नंबर टू लेफ्ट ऑफ वन। वन हमारा अब टारगेट है, पॉइंट हमारा वन है, इसके ये राइट है, इसके ये लेफ्ट है। ठीक है, अब इस कितना स्टेप, पांच स्टेप, तो एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप, एक पांच, कितना, माइनस फोर। तो हम कहाँ पहुंचेंगे, माइनस फोर पे, इसका आंसर माइनस फोर हो जाएगा। फिर क्या रहा, इफ वी आर एट माइनस एट ऑन द नंबर लाइन इन विच डायरेक्शन शुड बी मूव टू रीच माइनस थर्टीन। अब क्या रहा है, यहाँ पे पूरा निगेटिव की बात करी जा रही है, यहाँ पे जीरो ले लीजिए, यहाँ वन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब इधर ही हमको मेहनत करना है, तो इसी बताइए, थ्री माइनस फोर, माइनस फाइव, ठीक, माइनस सिक्स, माइनस सेवन, माइनस एट, माइनस नाइन, माइनस टेन, माइनस इलेवन, माइनस ट्वेल्व, माइनस थर्टीन। ठीक है, यहाँ माइनस लगा दीजिए। अब कह रहा है इफ वी मूव एट माइनस फाइव ऑन द नंबर लाइन, हाँ कह रहा है कि हम सबसे पहले कहाँ, यहाँ पे इस जगह पे हैं, इन विच डायरेक्शन वी मूव टू रीच माइनस थर्टीन। तो कह रहा है कि हम माइनस थर्टीन कहाँ पहुंचे, माइनस थर्टीन पहुंचने के लिए क्या, ये इसका राइट है, इसका लेफ्ट है। ठीक है, तो लेफ्ट में क्या है हमको, कि कहाँ पे मूव करना है, लेफ्ट डायरेक्शन। ठीक है, लेफ्ट, लेफ्ट में आठ से हम बाएं तरफ चलेंगे तब जाके हमको माइनस थर्टीन, क्योंकि आठ के ये इसका लेफ्ट वाला हिस्सा है, ये इसका राइट वाला हिस्सा है, तो इसके लेफ्ट चलेंगे तब मिलेगा। क्या इफ वी आर एट माइनस वन ऑन नंबर लाइन इन विच डायरेक्शन वी शुड मूव टू, सिंपली सी उसी का उल्टा है, जीरो है, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स। ठीक है, कह रहा है कि हम किस दिशा में चलें, ठीक है, किस दिशा में चलें, कि वन मान लीजिए, यहाँ वन टू, तो कह रहा है कि वी एट माइनस, कह रहा है अगर हम पहले माइनस सिक्स पे हैं, यहाँ पे हैं, ठीक है, इन विच डायरेक्शन वी शुड मूव टू रीच माइनस, हमको यहाँ पे पहुँचना है इस जगह, तो ये इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट है, तो कहने का क्या, हम राइट साइड चलेंगे, इसके राइट साइड मूव करेंगे, ऐसे 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 ऐसे, तब हम यहाँ पहुँचेंगे, इसका मतलब क्या, राइट। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, देखिए, यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज थ्री मोर देन फाइव, विच इज थ्री मोर देन फाइव। तो यहां पे देखिए, ये नंबर लाइन आप बना लीजिए, ठीक है, ये नंबर लाइन बन गया, अब आपका यहां जीरो हो गया, तो यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ठीक है, यहाँ नाइन भी कर लीजिए। अब कह रहा है कि राइट द नंबर लाइन थ्री मोर देन फाइव, ये ए का मतलब क्या, कहने का मतलब थ्री मोर देन फाइव मतलब पांच से तीन ज्यादा, थ्री मोर देन फाइव, ठीक है, पांच से तीन ज्यादा, इसका मतलब क्या हुआ, वन टू थ्री फोर फाइव,
यहाँ 5 है, ठीक है, उसके बाद 3 और, तो इसका मतलब 1 2 3, तो नंबर लाइन पे ये हो जाएगा आपका, ये वाला 8, ठीक है, ये रिप्रेजेंट आपका हो गया 3 more than 5, 5 से 3 ज्यादा, दैट इज 8, ये कहने का मतलब है 5 more than -5। अब देखिए इसका क्या है, 5 more than -5, ये इंटरेस्टिंग है, ठीक है, 0 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, अब कह रहा है कि 5 more than -5, ठीक है, 5 more than -5 में 5 ही है, ये ऐसा कहने का मतलब, कहाँ से -5 है, इसमें हम 5 और करेंगे, 5 स्टेप और ज्यादा, ज्यादा का मतलब राइट साइड मूव करना है, अधिक के लिए राइट साइड, ठीक है, अधिक के लिए हमको राइट साइड मूव करना होता है, बढ़ना कितना है 5 और ज्यादा, इसका मतलब 1 2 3 4 5, 0 पे आ जाएंगे, वैसे भी ये साल करने पे 0 आता है। फिर क्या है, सी वाला क्या कह रहा है, 6 less than 2, 6 less than 2, अब ये देखिए क्या कह रहा है, सी वाला कह रहा है 6 less than 2, 2 से 6 कम, ये इसको अगर दिखाएंगे तो आपका 0 है, 1 2 -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो कह रहा है कि यहां आपका 2 है, ठीक है, ये इसका राइट है, इसका लेफ्ट है, तो इसका मतलब 2 से -6, मतलब 2 से कम होना चाहिए, -6 स्टेप, तो -6 पीछे चलना है, लेफ्ट चलना है, 1 2 3 4 5 6, तो -4, वैसे भी इसका सॉल्व करने से -4 आता है, ये रिप्रेजेंटेशन। 3 less than -2, ये भी उसी तरह कर लेंगे, 3 less than -2, ये देखिए, ये 3 less than -2, ये दैट इज -5 पे आएगा, आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 है, -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो कह रहे हैं कि सबसे पहले -2 हमको टारगेट करना है, फिर इससे कम, इससे कम मतलब लेफ्ट, कितना 3 स्टेप, 1 2 3, तो ये कितना होगा -5। यूजिंग द नंबर लाइन है एड करना है, ठीक है, इसको सिंपल है, नंबर लाइन यूज करके एड करना है, वही इसी तरह है कि बस उसको लैंग्वेज बदल दी गई है। अब यहाँ आपका जो है 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है, ठीक है, 8 7 6 5 4 3 2 1, -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए आप एक ट्रिक समझ लीजिए कि अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, अगर इस नंबर को 9 + -6 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9 - 6 दैट इज कितना आ जाएगा, 3। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमारा जो है टारगेट जो है 3 तक पहुंचना है, तो अब यहाँ पे ये 9 है, ये 10 है, तो 9 हमारा है, उसमें से कितना करना, माइनस करना है 6, इसका मतलब इसके लेफ्ट हमको चलना है, कितने स्टेप, 1 2 3 4 5 6, तो 3 पे पहुंच जाएंगे, सिंपली सी बात है, ये रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। अगर इसी तरह हम लोग 5 में 11 करेंगे, जैसे बी वाला आपका है क्या है, 5 - 11 दैट इज -6, सो लाइन पे हमारे 0 है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 है, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6, सो 0 से 11 स्टेप आपको लेफ्ट चलना है, 5 से लेफ्ट जो है
राइट है, ये लेफ्ट है, इससे 11 स्टेप। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक आ गए, ये 11, तो यहाँ पे हम -6 पे आ जाते हैं। इसको सॉल्व करके उसके हिसाब से आप नंबर लाइन पे थोड़ा आइडिया लगा लीजिए कि कितनी बड़ी नंबर लाइन हमको बनाना है, ठीक है, बनाने में आपको हेल्पफुल होगा। आप सी वाला देख सकते हैं, सी वाले में क्या है, -1 + -7, इसको सॉल्व करेंगे -1 - 7 दैट इज -8, तो आपको यहाँ पे 0 है, -1 है, तो आपको -8 में 7 स्टेप लेफ्ट चलना है, इससे कम है लेफ्ट चलना है, तो यहाँ पे आप कहीं पे -8 होगा, फिर ऐसे स्टेप करते करते आप पहुँच जाओगे। बाकी भी ऐसे कर लेंगे, यहाँ तीन स्टेप है तो क्या हुआ इसको, अच्छा 3 स्टेप वाला भी एक देख लेते हैं, ठीक है, यही देख लें, एफ देख लेते हैं क्या है, -2 + 8 + -4। आइडिया लगाने के लिए आप इसको सॉल्व कर, -2 + 8 - 4 सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, इसका रिजल्ट 2 आएगा। इसमें बड़ा सा बना रहे क्योंकि बड़ा नंबर आपको चाहिए होगा, क्योंकि 0 है, 1 2 ठीक है, 3 4 5 बस यहाँ आपका 2 तक ही आना है, तो ज़्यादातर कहानी इधर ही होगी। आपको क्या है, -1 - 2 - 3 - 4, सारी कहानी इतने में खत्म होगी। पहले -2 पे आपको केंद्रित करना है, -2 इसमें क्या है, 8 स्टेप प्लस करना है, इसको 8 स्टेप प्लस करना है, इसका मतलब राइट जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 कम पर राइट 8 ठीक है, 3 4 5 6 यहाँ पे चले गए, ये यहाँ से यहाँ तक का हो। अब कह रहा है इसके बाद इसमें से माइनस करना, अब हम पहुँच गए यहाँ पे, हम पहुँच गए इस जगह, जब हम इस जगह पहुँच गए तो अब हमको इसके प्लस में जाना है, ठीक, अब इससे हमको सॉरी ये दो स्टेप में हम कहाँ पहुँचे, यहाँ इन दो स्टेप से हम यहाँ पहुँचे, तो इसका मतलब इसमें हम 4 स्टेप माइनस जाना है, ये राइट है लेफ्ट है, माइनस मतलब घटना, घटाना तो 4 लौटना है, लौटना है तो फिर से कहाँ से लौटे, पहले एरो ऐसे चल रहा था, ठीक, अभी क्या करेंगे, फिर 1 2 फिर 3 4 दूसरा स्टेप ऐसे उसको ऊपर बना दीजिए, ठीक है, अब यहाँ से हम फिर से लौटे, अब हमारा एरो ऐसे चल रहा है, पहले हमारा एरो ऐसे चल रहा था, इधर मूवमेंट हमारा था, हमारा एरो ऐसे बनाएंगे तो हमारा मूवमेंट ऐसा पता चले कि अभी मूवमेंट था, अब लौट रहे हैं तो मूवमेंट, तब हम लौट के यहाँ पे आ जाएंगे। ये दो स्टेप करना पड़ेगा, दो चीज़ें, सबसे पहले इन दोनों को ध्यान में रखना पड़ेगा, पहले ये फर्स्ट दो को कर लीजिए, उसके बाद जहाँ पहुँच जाते हैं उसके बाद फिर तीसरे वाले को कर लीजिए, यही है सेम, चाहे ई वाले में भी होगा, पहले इन दोनों करेंगे फिर ये आ जाएगा, -1 से लेफ्ट जाएंगे -2 फिर जो है -3 लेफ्ट जाएंगे, ऐसा है, तो ये -6 पे इसका आंसर आएगा, करके देखिएगा नंबर लाइन पे एक हाथ। 8 विदाउट यूजिंग मैप, क्या रहा है, नंबर लाइन की यूज ना करिए, अब नंबर लाइन का बहुत कहानी होगा, इसको सिंपली करिए, ए में कोई दिक्कत नहीं है, ये तो और अच्छा है, नंबर लाइन पे दुनिया भर का काम, 11 है प्लस और माइनस ब्रैकेट ओपन को 7 आ जाएगा, ये कितना होगा, 7 4 4 आएगा आंसर, ठीक है। इसी तरह इसमें क्या है, बी वाले में क्या है, -13 + 18 कर लीजिए, 5 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, सी में कर लीजिए, ठीक है, कोई सा एक आध ले लें, ये ले लीजिए, ये प्लस माइनस है इसमें कोई नहीं, सी ले लीजिए -380 और प्लस -270 ब्रैकेट में ओपन करेंगे 380 फिर ये -270, हमने बताया था माइनस माइनस बढ़ जाता है, ज़्यादा माइनस हो जाता है, ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं -380
फिर माइनस 270, ऐसे कर कर सकते हैं 8, 8 एंड 7, 15 और 5 दैट इज 6, तो ये आ जाएगा माइनस 650। इसी तरह ये भी कर सकते हैं, सेम है। फाइंड द सम कह रहा है, इसमें लिखा नहीं, आपको लिख के करना पड़ेगा। ए में क्या है, सम करना है, 137 प्लस ये कहने का, इस तरह लिखने की बात का, 137 प्लस माइनस 354 ये है, तो माइनस है, तो यहां पे कर लीजिए ऐसा 354, ठीक है, माइनस साइन है तो 137 कर लीजिए, माइनस है तो ये ऐड नहीं होगा, घटेगा, ठीक है, ये 14, ये 7 हो जाएगा, ये 12, ऐसे करिएगा, ये 4 है, यहाँ पे क्या है, ये 5 है, तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ 1 हुआ, अब यहाँ कितना है, 2 होगा, तो माइनस, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है इसलिए उसी का साइन यहाँ पे है, जिसका साइन ज्यादा होता है वो वही आता है, यहाँ इन दोनों में इसका साइन बड़ा है इसलिए इसका घटने के बाद ये साइन आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे सम करना है माइनस 52 प्लस 52, ये करने के बाद ये जीरो आ जाएगा। अब इसमें सम करना है सी वाले में, देखिए क्या करना है, माइनस 312 प्लस 39 प्लस 192, कर लीजिए साहब इन दोनों को, चाहे तो पहले प्लस प्लस वाला ऐड करके फिर कर लीजिए, इन दोनों को ऐड कर देंगे इन दोनों को, तो 11, 12, 32 ये आ जाएगा, ऐड कर लीजिए 192, 39, ये इन दोनों का 1, 11 हो जाएगा और 12, 13 ये हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का, अब ये आ गया, अब इन दोनों को लीजिए, तो माइनस 312, 231 यहाँ 1 आ जाएगा, ये 11, 3, 8 यहाँ पे 0, किसके पास ज्यादा, ये वाला बड़ा है, इसके पास निगेटिव, इसलिए ओवरऑल रिजल्ट निगेटिव आएगा। इसी तरह ये भी कह सकते हैं, सेम यही है, फाइंड द सम ऑफ, इन दोनों को कर लीजिए ए का, ठीक है, माइनस 7 ब्रैकेट में प्लस माइनस 9 प्लस 4 प्लस 16 ब्रैकेट ओपन के माइनस 7 माइनस 9 प्लस 4 प्लस 16 इनको कर लीजिए, ये हो जाएगा माइनस 16, क्योंकि माइनस माइनस ऐड होके ज्यादा बड़ा नंबर बने, माइनस, ठीक है, माइनस 7 माइनस 9 16 हो जाएगा और प्लस 20 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये बड़ा नंबर है पॉजिटिव वाला, ये छोटा है इसलिए प्लस 4 आ जाएगा। सेम यही है, इसको भी यही करना है, इसमें भी यही करना है, सारे वही उसी तरह का है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, वही करना है, जोड़ना घटाना है, आप देख लीजिए। यहाँ पे ई वाला देख लेते हैं, ठीक है, सी और ई, सी और ई एक ही तरह है, तो ई में देख लेते हैं, 23 माइनस माइनस 12 है, तो यहाँ क्या है 23 और ये माइनस माइनस क्या हो, ये प्लस हो जाएगा 12, अब एड कर देंगे 5, 3, 35। इसी तरह इस वाले में भी है, ये एफ में सिंपल है, माइनस 32 माइनस माइनस ये प्लस 40 हो जाएगा, दैट इज 8 प्लस 8 आ जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा है, प्लस वाला बड़ा है इसलिए उसका साइन आएगा। यहाँ पे देखिए क्या फिल इन द ब्लैंक्स भी, ये सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे ए वाला फॉर्म को सॉल्व करना पड़ेगा, साल ए को देख लिया क्या सॉल्व करने को, माइनस 3 प्लस माइनस 6 क्या है, ये सॉल्व होगा तो माइनस 3 माइनस 6 ये होगा माइनस 9, और इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो इस पार्ट को जब सॉल्व करेंगे क्या होगा, माइनस 3 और ये माइनस माइनस क्या प्लस 6 हो जाएगा, तो ये इज क्या आएगा 3, तो इसका क्या है, ये पार्ट आपका, ये पार्ट आ गया आपका माइनस 9 और ये पार्ट आपका आ गया 3, इसमें बड़ा कौन है, 3 बड़ा है, जो बड़ा होता है उसके साइन उसके सामने ओपन वाला लगता है, तो ये सिंबल आ जाएगा। इसी तरह इसको सॉल्व आप करेंगे,
फिर इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, जो बड़ा होगा सिंबल लगा देंगे, सेम वही सारे साथ वही करना। आगे अपना से करिए, फिल इन दी ब्लैंक्स जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस एट है जीरो बनाने के, यहाँ प्लस एट रख देंगे जीरो हो जाएगा। इसी तरह क्या है, यहाँ माइनस थर्टीन कर देंगे, ये तो जीरो हो ही जाएगा। माइनस ट्वेल्व है तो यहाँ पे एक माइनस एट कर दीजिए, माइनस ट्वेल्व हो जाएगा। टेन चाहिए, ठीक है, माइनस टेन चाहिए तो यहाँ पे प्लस फाइव कर दीजिए, घटने से ये आ जाएगा। इसी तरह इसको सॉल्व करना है, चौथे में को सॉल्व करना है, इस तरह का कई बार कर चुके हैं। ये माइनस एट होगा, माइनस माइनस प्लस ट्वेंटी फाइव हो जाएगा, सॉल्व कर दीजिए। ये है कितना, फिफ्टीन प्लस ट्वेंटी फाइव, ये हो जाएगा प्लस टेन, क्योंकि ये बड़ा है। बाकी और सॉल्व करिए आप, डी वाला देख लीजिए, डी वाले में ये क्या है, फिफ्टी माइनस प्लस फोर्टी माइनस प्लस टू हो गया, क्या है नाइन्टी टू, चालीस पचास चालीस नब्बे और दो नाइन्टी टू, दस से नाइन्टी टू। सो इन दिस वे योर दिस चैप्टर इज कंक्लूडेड, टिल थैंक्स।